अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद टीवी के साथ मैं हूं इकरा चौधरी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जाली अकाउंट्स पर खरबों की तरसीलात, करप्शन और वाइट कॉलर क्राइम की तारीख का हैरान कुन और दिलचस्प केस है। इब्तदाई रिपोर्ट पढ़कर लगता है कि ये पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की तारीख में भी कौमी खजाने से कमीशन, ठेकों और कर्जों की शक्ल में अरबों रुपए हासिल करके मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरूने मुल्क मुंतकिल करने का इंतहाई मुनफरद केस है। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले में हलाक, दहशत गर्दों के साथी और सहूलत कार होने के इल्जाम में गिरफ्तार पांच मुलजिमान का पुलिस ने हमले के मुकदमे में रिमांड नहीं लिया, बल्कि उनके खिलाफ दर्ज पांच नई FIRs के तहत पांच रोजा रिमांड हासिल कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर कुछ ले देकर ही मामला खत्म करना था तो फिर हमने वज़ीर आज़म ही क्यों बनाना था। इमरान खान वाहिद आदमी है जिसने वाज़ह किया है कि कोई सौदेबाजी नहीं है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को खत लिखूंगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में अपने किसी मेंबर को ड्रॉप करें। वज़ीर रेलवे ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जरदारी और शरीफ खानदान का सियासी मुस्तकबिल तारीख है। उनका कहना था कि तीन बार वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स के लिए कोई नहीं निकला। उन्होंने बिलावल को जरदारी से बचने का मशवरा भी दे दिया। भारत में इंतखाबात से कबल पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपोगंडा उरूज पर पहुंच गया। पाकिस्तान की बार बार मुज़ाकरात की पेशकश और करतारपुर राहदारी बनाने जैसे अजीम इकदाम के बावजूद भी भारत झूठ बोलने से बाज न आया। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान टारगेट किलर रईस मामा के करीबी साथी समेत सात मुलजिमान को शिकंजे में ले लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान रवा माह के आखिरी हफ्ते में सुबह सिंध का दो रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कराची के अलावा अंदरूनी सिंध का दौरा भी करेंगे जिनमें बदीन और घोटकी के अजलास शामिल हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरे में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। और PKLI में बेजाब्तगियों से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यासमीन राशिद को कहा, आप अपना काम करें, आपका करियर बेदाग है। उम्मीद टीवी से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उम्मीद टीवी या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.umeedtv.tv।